नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और एक बार फिर से एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नए सरकार का गठन कब से होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक राज्यपाल को जाकर इस्तीफा भी नहीं दिया है और मंत्रिमंडल पद का विस्तार कब होगा ये भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और लगातार सीएम हाउस के अंदर हाई लेवल मीटिंग चल रही है और हलचल जो है वो भी काफ़ी तेज़ हो गई है। अभी की अगर बात करें तो अब से थोड़ी देर पहले हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी सीएम आवास पहुंचते हैं अपने तमाम चारों जीते हुए विधायक के साथ, और लगातार अंदर कई घंटों तक बातचीत चलती है। और उसके बाद जब जीतन राम मांझी बाहर आते हैं तो उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि मुझे मंत्रिमंडल पद का हिस्सा नहीं चाहिए, बल्कि मेरे जीते हुए जो विधायक हैं उनमें से किसी को भी मंत्रिमंडल पद का हिस्सा बना दिया जाए। लगातार जो मीटिंग है वो चल रही है। कल की अगर बात करें तो कल भी जो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी हैं वो भी पहुंचते हैं और अपने तमाम जो जीते हुए विधायक हैं उनके साथ पहुंचते हैं, और लगातार जो मीटिंग है वो अंदर चल रही है। और नीतीश कुमार भी जो हैं आज हो सकता है कि अपने जो जीते हुए विधायक हैं उनके साथ भी आज मीटिंग करेंगे। तो हालांकि जो मीटिंग है वो तो चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो अभी तक मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं। और अगर अभी की बात कर ली जाए तो इस बार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को काफ़ी झटका लगा है, क्योंकि जेडीयू जो है वो छोटे भाई की भूमिका में आ गई है। बीजेपी जो है वो बड़े भाई की भूमिका में है, क्योंकि बीजेपी को जेडीयू से ज़्यादा सीटें आई हैं। तो नीतीश कुमार की भी अभी तक जो प्रतिक्रिया है वो मीडिया के सामने नहीं आई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये जो सारी प्रतिक्रियाएँ हैं वो आती हैं और जो प्रक्रिया है वो कब तक हो जाती है। तो आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कहना है हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी का। अकेले हमसे कोई बात थी, आज हम लोग पांडव हैं, पांच हैं, एक से पांच में और चार ही हैं। पांचों बैठ करके हम लोगों ने आज तय किया और सम्मिलित रूप में मुख्यमंत्री जी को हम लोग जीत की बधाई देने जा रहे हैं। कवैस लगाया जा रहा है कि आपको मंत्री पद नहीं दिया है। इसके बारे में तो बहुत पहले ही बोल दिया है कि हम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए मंत्री पद एक्सेप्ट कम से कम हम नहीं करेंगे। हालांकि इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। दरोगा प्रसाद राय, विराज पांडे मुख्यमंत्री होते हुए भी बाद में मंत्रालय में उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन वो लोग बड़े आदमी हैं, अपना सिद्धांत है। हम गरीब आदमी हैं लेकिन एक सिद्धांत पर चलते हैं और इस चीज़ को हम मान लिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और 2015 में भी बात आ रही थी, वो भी नहीं किया। राज्यपाल बनाने के लिए भी बात आ रही थी, हम वहाँ भी जाना उचित नहीं समझे कि मेरे नस में एक बुंद भी खून रहेगा। तो पब्लिक के बीच में हम गुजारेंगे, राज्यपाल बन के देखेंगे, ऐसा आराम करेंगे। कब तक सर शपथ ग्रहण का कुछ पता? अब वो तो मुख्यमंत्री जो होंगे वो तय करेंगे, उसमें हम बताएंगे। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।